दिस इज चेतक्स मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2901 जो अभी बेंगलोर में एक शोरूम प्राइस ऑफ 95,000 पे मिलेगा। टेक पैक जिसमें एक्स्ट्रा ऑटो होल्ड फीचर्स वगैरह डाल के एक्स्ट्रा 3,000 पे करेंगे तो 98,500 इज एक शोरूम प्राइस। दिस स्कूटर कम्स विद एन आईडी रेंज ऑफ 123 किलोमीटर लेकिन डैशबोर्ड तो बता रहा है कि पूरे चार्ज में 75-76 किलोमीटर ऑफ रेंज ही आ सकता है। इस स्कूटर का हम चला कर देख लेंगे असली में कितना रेंज आएगा विद अ पिलियन इन अ सिटी एंड हाईवे कंबाइंड। वैसे थ्रू आउट द राइड हम सिर्फ इको मोड में ही नहीं चलाएंगे, हम एक्सेलरेट करेंगे, स्पोर्ट्स मोड का टॉप स्पीड क्या है, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी कैसे चलेगा सारा टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज रेंज अपग्रेड देते रहेंगे एंड स्कूटर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नया हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल, अर्बन मॉडल, प्रीमियम मॉडल एंड इसका क्या फर्क है, क्या आप इसको ले सकते हैं कि नहीं, सारा बातें करते करते चलेंगे। इस राइड अभी अभी स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही द थिंग विच सरप्राइज्ड मी रियली इज इसमें रीजनरेशन हो रहा है ऑलरेडी। चार्ज इज एट 94% लेकिन इट इज रीजनरेटिंग, नॉट मैनुअल रीजनरेशन ऑफ कोर्स, द कोस्टिंग रीजनरेशन जो शुरू शुरू में ही इट इज रीजनरेटिंग। जैसे चार्ज गिरते जाएगा तब रीजनरेशन तो स्ट्रांग होगा, देन 75 से भी ज्यादा रेंज आ सकता है, आज पता कर लेंगे हम। इसमें द फर्स्ट डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला इज ऑफ कोर्स द डैशबोर्ड। ये एलसीडी स्क्रीन है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल कलर्स है, आज उतना धूप नहीं है, क्लाउडी डे है। पुराना अर्बन डैशबोर्ड से इस डैशबोर्ड का विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। इसमें भी यू हैव टू ड्राइविंग मोड्स, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। अर्बन मॉडल में जब हमने चलाया था उसमें जैसे पावर कंजम्पशन एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, इको मोड से खुद स्पोर्ट्स मोड को चला जा रहा था एंड हमको ड्राइविंग मोड चेंज करने की जरूरी नहीं था। लेकिन इसमें ड्राइविंग मोड इको मोड चूज करेंगे तो इको मोड में ही रह रहा है। रेंज अपडेट, सो फार हमने 17 किलोमीटर चलाया, 80% ऑफ चार्ज बचा है। वैसे हम अभी कॉन्स्टेंटली इको मोड के टॉप स्पीड में ही क्रूज कर रहे हैं विच इज 49-50 kmph। इसका एक्सेलरेशन मैन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है देन अर्बन। अर्बन मॉडल का एक्सेलरेशन वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट, उसका ब्रेकिंग भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है अर्बन मॉडल का, स्टिल इट वॉज वेरी सॉफ्ट। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ जर्क, थोड़ा रेंज ज्यादा लाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए शायद एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़ा काम किया होगा इन्होंने। नाउ इट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन एंड स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी छोड़ते ही 1, 2, 3, 15, 16, 17, 17 seconds made came from 50 to 25 kmph. काफी स्ट्रॉन्ग है देन अर्बन चेतक का कोस्टिंग रीजनरेशन से, इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन है, आई लाइक इट। रोड खाली है, स्पोर्ट्स मोड में टॉप स्पीड कितना है एंड एक्सेलरेशन कैसा है ट्राई कर लें। रेडी 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल, वाओ एक वेरी स्ट्रॉन्ग जर्क है इसमें। 25, 30, 35, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, wow! स्कूटर का स्पेसिफिकेशन सीट में तो टॉप स्पीड 63 लिखा था, 69 तक जा रहा है इसमें। That's really cool. Initial 0 से 35-40 तक power and the jerk was very strong. उसके बाद softer acceleration हो गया। इन चेतक अर्बन, this was one of my favorite features कि drive करते वक्त driving mode change करने की जरूरी नहीं है। अगर हम accelerate करेंगे, वो खुद eco mode से sports mode को चला जाएगा। उस feature को for some reason हटाया गया। This scooter also comes with a hill hold assist and the Bluetooth connectivity features also, लेकिन उसके लिए tech pack एक लेना पड़ेगा। जो Ather का Pro Pack है ना, same type है यहाँ, जिस Pro Pack को यहाँ पर इन्होंने tech pack बनाया। 3,000 या 5,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे तो यू विल गेट द हिल होल्ड असिस्ट एंड द ब्लूटूथ फीचर्स इन टेक पैक। वैसे चेतक अर्बन में यू हैव टू पे 5,000, चेतक प्रीमियम में यू हैव टू पे 9,000, ऐसा देयर इज अ प्राइसिंग। यू हैव दिस फीचर्स बट एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। वैसे हम सो फार ऑलमोस्ट 1 आवर चलाया, एक बार पिलियन से पूछते हैं सीट कंफर्ट कैसा है। इसमें कैसा है सीट कंफर्ट, सोफा कंफर्टेबल है, ओके। चेतक अर्बन वाला सीट से स्कूटर थोड़ा इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसमें देन अर्बन स्कूटर। बैड रोड सो स्पीड ब्रेकर सो द सीट कंफर्ट सो फार इज वेरी गुड, इंक्लूडिंग फॉर मी एज राइडर एंड फॉर पिलियन आल्सो। एंड टू मी एज ए राइडर, ऑलमोस्ट 1 आवर से चला रहा हूँ एंड सो फार कोई थकावट नहीं है, बैड रोड्स आया, स्पीड ब्रेकर्स आया, ट्रैफिक जाम्स आया, कोई भी अनइजीनेस नहीं था। सो फार आई एम एंजॉयिंग इट, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई थकावट कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ हाईवे पे आने के बाद थोड़ा सा धूप बन रहा है, इसमें भी डैशबोर्ड की विजिबिलिटी काफी ठीक है, इससे भी ज्यादा धूप आ गया तो इवन दिस ब्राइटनेस वुड बी सफिशिएंट। डैशबोर्ड को तो ठीक करना ही चाहिए आई थिंक। इसके लिए दे ब्रॉट द प्रीमियम वर्जन ऑफ चेतक शायद, जिसको हम बहुत जल्दी प्रे करने वाले हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, सो प्लीज सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट।
रेंज अपडेट, सो फार हमने 44 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। 50% ऑफ चार्ज के बाद तो हाफ लीटर भी बनता है ना, कर लेंगे। चेतक 2901 ये सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है फ्रॉम चेतक, लेकिन ट्रस्ट मी दीजिए किसी प्रीमियम स्कूटर से भी कम नहीं है। परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। इको मोड में 50 km/h वॉज द टॉप स्पीड, स्पोर्ट्स मोड में 69 km/h, जबकि स्पेसिफिकेशन सीट सिर्फ 63 को टॉप स्पीड दिखाता है। अर्बेन एंड प्रीमियम मॉडल दोनों का भी सेम टॉप स्पीड है, ओनली फर्क यह है कि स्कूटर में ना जब इको मोड के टॉप स्पीड जब टच करेंगे 50, उसके बाद ये कुछ स्पोर्ट्स मोड को चेंज नहीं होगा, हमें खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। शायद इसमें भी उस फीचर को देना था, बट एनीवे इन टर्म्स ऑफ रेंज अर्बेन मॉडल एंड इसका ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें फॉर फुल चार्ज हमको क्लोज टू उतना ही रेंज मिला जितना इसके डैशबोर्ड अभी क्लेम कर रहा है, विच इज 78 किलोमीटर्स। इसका सेकेंड चेंज, इसका की, इसके साथ की फॉब नहीं मिलेगा, ए वेरी पीसफुल एक रेगुलर की, विच लीड्स टू थर्ड अपग्रेड इसका डैशबोर्ड। वैसे इन्फॉर्मेशन वाइज तो ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम इन्फॉर्मेशन है। द डैशबोर्ड इज वेरी सिंपल नाउ, इजीली विजिबल एंड वेरी कलरफुल है। डैशबोर्ड का अब सनलाइट विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हुआ है देन द अर्बन मॉडल का, दैट प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले, इट वॉज वेरी बैड, दिस इज क्वाइट डिसेंट, बट ये भी काफ़ी नहीं है। आई थिंक इसके वजह से दे पुट द प्रीमियम वर्जन ऑफ चेतक, जिसमें इट इज अब LCD डिस्प्ले कम्प्लीटली, जिसका वीडियो बहुत जल्दी बनेगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट। नेक्स्ट अपग्रेड इसका सीट, वैसे देखने में ना ज़्यादा फर्क नहीं है टू द अर्बन मॉडल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी चेंज हुआ है थ्रू आउट द राइड फॉर मी एंड द प्लेन, हम दोनों को द राइड वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी एन्जॉयबल। आराम से बैठ के मस्त हमने एन्जॉय किया था थ्रू आउट द राइड, हमने ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours चलाया, कुछ भी फटा नहीं, स्पीड ब्रेकर हो पॉट हो, इट वॉज वेरी गुड। अब यहाँ से जब हम वापस चलेंगे तब पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कितना कंफर्टेबल सीट है। इतना सस्ता स्कूटर विच कम्स एट एन एक्स्ट्रा प्राइस ऑफ 95,000 विद टेक पैक ऑफ एक्स्ट्रा 3,000, डैशबोर्ड तो आज बता रहा था कि पूरे चार्ज में 75-76 किलोमीटर ऑफ रेंज आएगा विद एन IDC रेंज ऑफ 123 किलोमीटर, असली में कितना आएगा देख लें चलाकर। नाउ वी आर बैक ऑन द रोड, सो फार हमने 52 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 29 किलोमीटर और आ सकता है इन इको मोड, हम कॉन्स्टेंटली इको मोड के टॉप स्पीड 49-50 में ही क्रूज कर रहे हैं, हवा बहुत जोर से आ रहा है एंड आई एम गेसिंग रेंज भी बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, लेकिन रीजनरेशन ना बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। अभी हम 50 में हैं, एक बार यहाँ पे छोड़ूंगा 1, 2, 10, 11, 10, वी आर डाउन टू 15 ऑलरेडी। पहले हमको 17-18 सेकेंड्स तक लगा था 50 to 25 तक आने के लिए, अभी हम 15 तक भी चले गए इन लेस देन 13-14 सेकेंड्स, विच इज रियली स्ट्रॉन्ग बूस्टिंग रीजनरेशन। दिस इज अ टू साइडेड स्वॉर्ड। अच्छा ये है कि इस स्कूटर का फ्रंट में कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, दोनों ड्रम ब्रेक्स है, विच मीन्स ब्रेकिंग पावर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दिस कोस्टिंग रीजनरेशन जो है इतना स्ट्रांग होने के वजह से ड्रम ब्रेक्स भी हो, यू विल हैव वेरी गुड स्टॉपिंग फोर्स एंड बहुत जल्दी गाड़ी रुक जाएगा, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग ऑल्सो। बुरी बात यह है कि जब फैमिली के साथ जब सिटी के अंदर ट्रैफिक जाम्स में जब चलाएंगे देन बहुत जर्क होगा, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन पे, एक्सेलरेटर के ऊपर कंट्रोल पे, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेटर के ऊपर बहुत कंट्रोल आना पड़ेगा, जो आदत में आ जाएगा इन 1-2 months, बट दैट 1-2 months विल बी स्ट्रगल। उसके बाद वेरी सटल मूवमेंट करना पड़ेगा ऑन एक्सेलरेटर ताकि दो जर्क कम हो जाए। अब धूप बढ़ रहा है, इस धूप में भी डैशबोर्ड की विजिबिलिटी काफी ठीक है, आई एम नॉट श्योर ये कैमरा में कितना क्लियरली रिकॉर्ड हो रहा है, एटलीस्ट आई कैन क्लियरली सी ऑल द इन्फॉर्मेशन। चेतक प्रीमियम में ना सारा LCD स्क्रीन आएगा पूरा, उसका हैंडल बटन ऑल्सो अपग्रेडेड है, आई एम वेरी एक्साइटेड उस स्कूटर कैसा रहेगा ड्राइव करते हुए। सो फार हमने 64 किलोमीटर चलाया, अभी स्पोर्ट्स मोड में एक बार टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके देख लें, रेडी इन 3, 2, 1, वाह वाह वाह, थोड़ा स्लो हुआ है, थोड़ा सॉफ्टर जर्क हुआ है देन पहले, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग जर्क, वाह स्पीड ऑलरेडी चला गया 65, 68, 69। जैसे चार्ज कम होते जा रहा है देर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग, पहला कोस्टिंग रीजनरेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, दैट अचानक जेट पुश करने वाला जर्क नहीं हो रहा, काफी सॉफ्टर एक्सेलरेशन हो रहा है एज चार्ज ड्रॉप्स, मतलब चार्ज गिरते गिरते रेंज ज्यादा आने के लिए ही हर तरीका देख कर रखे हैं स्कूटर में। अलॉन्ग विद दैट इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना ही चाहिए यार, इस रास्ते में ना बहुत ज्यादा हेडविंड है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा है कि सिंगल हैंड ड्राइविंग में भी आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। स्कूटर थोड़ा हेवी है, 130 किलोस है, बट द हेवीनेस इज बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, सारा स्टील बॉडी है एंड वेरी वेरी गुड बिल्ड, यू विल जस्ट लव इट। रेंज अपडेट, वी आर डाउन टू लास्ट 20% ऑफ चार्ज, 14 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट बचा है, यहाँ से जहाँ पर स्कूटर को वापस करना है दैट इज 13 किलोमीटर अवे, ये क्या है
अचानक से रेंज एस्टिमेट वेंट टू 16 किलोमीटर्स, अभी अभी दिखा रहा था 14, इट वेंट टू 16 नाउ, अब फिर से ड्रॉप हो गया था रेंज एस्टिमेट टू 15 किलोमीटर्स। वैसे इस स्कूटर का एक डाउनग्रेड है, नॉट अ ह्यूज डाउनग्रेड बट इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस एंड इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट एक डाउनग्रेड है, विच इज फॉर द हैंडल बटन्स लाइट नहीं है इस मॉडल में। जब तक अर्बेन मॉडल में देयर वर लाइट्स ऑन दिस हैंडल बटन्स ताकि टनल्स में रात में अंधेरे में हमको क्लियरली दिखे। मतलब आई अंडरस्टैंड द स्कूटर इज मच मच कम प्राइस में है देन द अर्बेन, बट हैंडल बटन्स पे लाइट हटाने से क्या ही बचाएंगे प्राइस को, आई थिंक उसको रखना चाहिए था इसमें। रेंज अपडेट, वी आर नाउ डाउन टू लास्ट 10% ऑफ चार्ज। इसका कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रांग है पता है, जैसे अभी आपको छोड़ दिया यहाँ पर रोड बहुत स्लोपी है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन हो रहा है ऑलरेडी। सो इस तरह के रोड में आप पूरा छोड़ देंगे तो यू वोंट हैव द रीजनरेशन, इनस्टेड यू हैव टू फाइंड द स्वीट स्पॉट ऑन द एक्सीलरेटर जहाँ पर एक ही स्पीड में स्टक हो जाना चाहिए, बी 24 और 25 और 28 व्हाटएवर। जब एक स्पीड में स्टक हो जाएगा इट मींस जितना पावर कंज्यूम कर रहा है उतना रीजनरेट भी हो रहा है। हर स्कूटर में अपना स्वीट स्पॉट होता है फॉर दिस कोस्टिंग रीजनरेशन स्लोप में आते वक्त। मैं अपने स्कूटर में आप एक बार इसको ट्राई करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। लास्ट 5% ऑफ चार्ज, 4 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा ऐसा दिखा रहा है। यहाँ से शोरूम इज 1 किलोमीटर अवे, थोड़ी देर और घूमेंगे ताकि रेंज और खर्चा करें एंड देन विल चार्ज द स्कूटर। अभी द एक्सेलरेशन एंड द टॉप स्पीड सब कम हो चुका है, 35 तक ही बहुत मुश्किल से जा रहा है, बट कोस्टिंग रीजनरेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट ब्रेक लगाने की जरूरी नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग है। 4% ऑफ चार्ज एंड 3 किलोमीटर रेंज एस्टिमेट, बट सो फार आई मस्ट से स्कूटर का रेंज इज माइंड ब्लोइंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया स्कूटर में इतना रेंज आएगा। चलो फाइनली हम चेतक शोरूम के पास पहुंच गए हैं एंड इसमें बूट खोलना इस चाबी को प्रेस करके पीछे को घुमाना है एंड दिस इज द चार्जर जो स्कूटर के साथ मिलता है एंड नाउ यू कैन इनफैक्ट क्लोज दिस बूट आल्सो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन इन चेतक, यू कैन लॉक द बूट। ओके सो फाइनली द 100% टू 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन चेतक 2901 अभी फाइनली अभी खत्म हो चुका है। थ्रूआउट देयर द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। इको मोड हो स्पोर्ट्स मोड हो, इको मोड में द टॉप स्पीड वाज 50 केएमपीएच, स्पोर्ट्स मोड में 69 केएमपीएच, दोनों ड्राइविंग बोर्ड्स में द बिल्ड क्वालिटी द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस एट दिस प्राइस रेंज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, एट दिस प्राइस रेंज ऑफ 95,000 ऑफ एक्स शोरूम प्राइस आई थिंक ये डेफिनेटली ओला S1X एंड X प्लस के लिए वेरी टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है। थ्रूआउट द राइड द बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेरेटर कैलिब्रेशन ब्रेकिंग कैलिब्रेशन कोस्टिंग रीजनरेशन विच वॉज माई फेवरेट, वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन था। दोनों ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स होने पर भी कोस्टिंग रीजनरेशन के वजह से वेरी गुड स्टॉपिंग फोर्स था आपको एट एनी पॉइंट ऑन रोड, आप टॉप स्पीड में भी क्रूज कर रहे हो विद दिस कोस्टिंग रीजनरेशन एंड ब्रेकिंग यू विल गेट अ कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग ऑन दिस स्कूटर। अब ऑल दिस फीचर्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इसका रेंज एस्टिमेट, जो रेंज दिखा रहा था उससे हमको ज्यादा ही आया। जब हमने स्टार्ट किया था 100% ऑफ चार्ज रेंज एस्टिमेट वॉज 75-76 किलोमीटर इन इको मोड, हमको इतना सारा करने के बाद वी गॉट रेंज ऑफ 82 किलोमीटर्स इनसाइड अ सिटी एंड हाईवे। जब हम स्पोर्ट्स मोड में भी टॉप स्पीड भी टेस्ट कर रहे थे, इको मोड के टॉप स्पीड में भी क्रूज कर रहे थे विद अ पिलियन इन चेतक 2901। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम चेतक प्रीमियम ट्राई करने वाले हैं, चेतक प्रीमियम वीडियो, उसके साथ वी गॉट टू नो दैट चेतक न्यू वर्जन ऑफ 2901 सीरीज ऑल्सो लॉन्च कर रहे हैं विच इज 2902 एंड 2903 विच आर बेसिकली मॉडिफाइड बैटरी सेल्स विथ इम्प्रूवड एंड रिफाइंड रेंज, जो अभी सिर्फ सोनूस में ही दिखेगा बट उसका वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।